बोलो जयश्री। खबर में तो जेल तोड़ के भाग निकली हूँ मैं ठेले पे बैठ के। अब सुन, हिमांशु के काम के लिए मेरे पास एक वर्ल्ड बेस्ट आइडिया है। मुझे लगता है कि हिमांशु को अवार्ड सेरेमनी करनी चाहिए, लेकिन कुछ अलग। दुनिया का पहला पारिक कामगार अवार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसी महान हस्तियों को अवार्ड देंगे जिन्हें आज से पहले किसी ने नहीं पहचाना। इसीलिए तो पारिक कामगार अवार्ड, अनजान लोगों को मिले पहचान। ऐसा अवार्ड मिलेगा क्या लगा ही नहीं क्या अवार्ड है। दो मिनट, नहीं लगेगा हिमांशु, ये ट्रॉफी कहाँ है? वो तो मैंने प्रफुल बेटे को कहा था। प्रफुल कहते ट्रॉफी कहाँ है? बाबूजी मैं हूँ ना, मैं लेके आया हूँ। लेके आ जा, ये लीजिए बाबूजी ट्रॉफी। ये अवार्ड बनवा के मैं ले, एक ही ट्रॉफी क्या? अरे पांच अलग अलग कैटेगरीज है तो पांच अलग अलग ट्रॉफी होनी चाहिए ना। हाँ तो बाबूजी मैं पांच अलग अलग डिजाइन की ट्रॉफी बनवा के ही लाया था। पता है लेकिन पांच अलग अलग डिजाइन की ट्रॉफी क्यों लेकर आया था? आप ही बोले थे कि पांच अलग अलग किस्म के लोगों को देनी है। हाँ मैंने कहा था कि लोग भले ही अलग अलग हो लेकिन ट्रॉफी एक होनी चाहिए। हाँ तो बाबूजी इसीलिए एक ट्रॉफी ही बनवा के लाया हूँ। एक मतलब पांच ये। एक मतलब दो। आप ही उस दिन भेल वाले को बोले थे ना एक दो। एक मतलब एक जैसी पांच। मतलब आप एक जैसी पांच भेल खाना चाहते थे? अरे पर हम एक काम करेंगे, यहाँ से ये ट्रॉफी देंगे, इधर से ले लेंगे, एक ही ट्रॉफी बार बार घुमाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। चलो चलो शुरू करो। लीजिए बाबू लीजिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शुरू करो जयश्री। तो हम शुरू करें। पहला अवार्ड है श्रेष्ठ डेंगू मच्छर मारू अवार्ड। अच्छा अच्छा। और उसके नॉमिनीज है हमारी चकी एक दिन स्कूल की ट्रिप पे जाने वाली थी तो स्कूल के टीचर ने उसे क्या कहा था? उसे कहा था कि आप शॉर्ट्स पहन सकते हैं, आप लंबे ड्रेस पहन सकते हैं, लेकिन नॉमिनीज नॉमिनीज। चलो फिर शुरू कर आगे बढ़ा। हाँ बोलती हूँ बाबू जी। तो नॉमिनीज है, श्रेष्ठ डेंगू मच्छर मारू अवार्ड का विजेता है नंदू भाई गोलू। इन्होंने 1,65,555 मच्छर मारे हैं। वाह 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 भाई। मेरे पास डेंगू मच्छर मारने का एक नया आइडिया है। जहाँ भी डेंगू मच्छर होते हैं मैं उस इलाके में जाकर एक कॉमेडी नाटक पेश करता हूँ। उस नाटक को देखकर लोग ऐसी तालियां बजाते हैं कि उस इलाके के सारे डेंगू मच्छर मर जाते हैं। लाइए 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 जाइए 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 फिर से मिलेंगे बाद में। और अब दूसरा अवार्ड, श्रेष्ठ गटर साफ करूं अवार्ड। और उसके नॉमिनीज है अरे वाह क्या बात है। क्या है कि जयश्री बार बार मुझे गटर में फेंकती रहती है तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही गटर को साफ कर दूं ताकि जब भी वो मुझे गटर में फेंके तो गटर स्वच्छ हो। और श्रेष्ठ गटर साफ करूं के विजेता है दादू भाई।
वो क्या है कि हमको अपना काम करने में तनिको शर्म नहीं होती। क्या है कि लोग आजकल नदी को गंदा करके गटर बना दिए, तो हम चाहते हैं गटर को साफ करके नदी बना दिया जाए। और अब आखिरी अवार्ड, अच्छा, श्रेष्ठ बोझ उठाओ मजदूर अवार्ड, और इसके नॉमिनीज है जयश्री। मैं जहां भी जाती हूँ लोगों का सामान उठा लेती हूँ। लौटाती नहीं है लुच्ची। और श्रेष्ठ बोझ उठाऊ मजदूर अवार्ड मिलता है बालू भाई को। मुझे तो ये अवार्ड परसों ही मिल गया था। आ बापू, हमने तो आपको आज दिया, तो परसों कैसे मिला? तो आज परसों है, मुझे तो लगा आज आज है। नहीं अंसा, नहीं, आज आज ही है, कल परसों है। कल परसों है? हाँ बाबू जी, कल आप ही ने मुझे कहा था कि प्रफुल परसों परसों है। तो परसों परसों हुआ ना? वो तो परसों वाला परसों बाबू जी, कल वाला परसों तो कल है ना। हाँ बाबूजी, तो हुआ ना कल परसों। तो आज कल होती तो कल परसों होता ना। हाँ लेकिन बाबूजी, आज अगर कल है और कल परसों है तो आज परसों हुआ कि नहीं? अरे बाबूजी, गणित बस गणित। इसीलिए इनको आज ट्रॉफी मिली है, फिर भी इनको लगता है परसों मिली। मुझे तो इस अवार्ड से कई ज्यादा बड़ी लगी पारिक परिवार की सोच। कलाकारों को, चित्रकारों को, उद्योगपतियों को, कामयाब लोगों को तो हर कोई अवार्ड देता है, लेकिन छोटे छोटे काम करने वाले बेनाम मजदूर भी अपने अपने पेशे में कलाकार होते हैं। ये सिर्फ इन लोगों ने समझा। ये कॉमेडी नाटक करके लोगों का दुख और डेंगू दूर करता है, और वो दोनों पत्थर तोड़कर सड़क बनाते हैं ताकि दूसरों को मंजिल मिल सके। मेरे बेटों को मैं बोझ लगने लगा, तो बोझ को ही मैंने बेटा समझकर उसे उठाना शुरू कर दिया। अरे अरे, रुला दिया। और आज आज हमारी इस अनजान हस्ती को हुनर का दर्जा देकर हमारी हैसियत बढ़ाई इस पारिक परिवार में। इसके लिए मैं अंसा पारेख का, जयश्री पारेख का, तुलसीदास प्रफुल पारेख का और हिमांशु सेठ का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलेगा, मिलेगा, सबको मिलेगा।